पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आज 230 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 12,928 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1,552 तक पहुंच चुकी है। ऑल इज वेल आज राहत भरी खबर ये रही कि आज फिर 165 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 11,064। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है पनवेल से 35, न्यू पनवेल से 27, कलमबोली से 22, कामोठी से 42, खारगढ़ से 41। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल में आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि कलमबोली में आज 29 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा आज 4 दर्ज किया गया, जबकि रिकवर्ड केसों की संख्या रही 22। कामोठे में आज फिर कोरोना संक्रमण के ग्राफ ने रफ्तार पकड़ी और आंकड़ा दर्ज किया गया 90 और आज कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा यहां दर्ज किया गया 1। रिकवर्ड केसों की संख्या रही 42। खारगढ़ में आज 42 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 2। रिकवर्ड केसों की संख्या रही 41। न्यू पनवेल में आज 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0। रिकवर्ड केसों की संख्या रही 27। पनवेल में आज 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1। रिकवर्ड केसों की संख्या रही 33। जबकि तलोजा में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक कुल 12,928 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 312, रिकवर्ड केसों की कुल संख्या बढ़कर 11,064 और एक्टिव केसों की संख्या में भी हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 1,552। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण और एक्टिव केसों का क्या रहा ग्राफ। बता दें कि कलमबोली में अब तक कुल 2,211 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 366। कामोठे में 2,794 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 358। खारगर में 2,606 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 293। न्यू पनवेल में 2,394 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 345। पनवेल में 2,295 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 177 और तलोजा में 628 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया है, एक्टिव केसों की संख्या है 13। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का क्या रहा ग्राफ, रिकवर्ड केसों की क्या रही संख्या। बता दें कि कलमबोली में अब तक कुल 48 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,797। कामोठे में अब तक कुल 70 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 2,366। खारगर में 37 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 2,276। न्यू पनवेल में 75 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,974। पनवेल में 63 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 2,055 और तलोजा में 19 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 596। दुखद घटना, बता दें कि आज 8 लोगों की मौत के साथ पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 312 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल हैं पनवेल हनुमान कृपा प्लॉट नंबर 137 मिडक्लास सोसाइटी के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खारगर रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट सेक्टर 10 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खारगर तुलसी आंगन अपार्टमेंट सेक्टर 21 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कलमबोली ग्लोसरी रेसिडेंसी सेक्टर 4 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कलमबोली निम्बेश्वर पिनेकल सेक्टर 4 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कलमबोली हाईवे दर्शन अपार्टमेंट KL6 सेक्टर 1E के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कलमबोली कृष्णा टावर सेक्टर 5E के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कामोठे कृष्णकुंज सेक्टर 9 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो चलिए डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जनसंख्या 46,245, कोरोना के कुल मरीज 12,928, कोरोना के एक्टिव केस 1,552, रिपोर्ट प्रलंबित 1,
कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 11,064 और कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा दर्ज किया गया 312। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।